Good afternoon, dear students. Myself Nalinikanna from RKPRN Government High School, Kallaghati. Our previous class was pre-modifier in noun phrase, and today we are going to read post-modifier in noun phrase. So let's move to the smart board. Let's recall, dear students. In our previous class, we have already known that what is noun phrase, modifier, pre-modifiers. So, what is noun phrase? A group of words with the head word noun is called noun phrase. कितने गुड़िया शब्द समूह जहाँ head word ते noun था एवं ताको हमें noun phrase कोई था सही परी modifier. हमें modifier का आपको कोई था those words which modify the head word noun in noun phrase are called modifiers. जो शब्द गुड़ी को सही noun phrase रे head word noun को modify करी था तो आमे से गुड़ी को modifier कोई था बोली आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी हो चु. Pre modifier words that come before the noun are pre modifiers in noun phrase. जो शब्द गुड़ी को noun phrase रा noun रा पूर्वरु आसीथिले से गुड़ी को आमे कहुथिले प्री मॉडिफायर. एबे आमे माने देखिबा केतोटी एग्जांपल देखिबा द ब्यूटीफुल हिस्टोरिक ताजमहल इन आगरा इज ए मोनुमेंट. एठारे देखो द ब्यूटीफुल हिस्टोरिक ताजमहल इन आगरा होची नाउन फ्रेज. ए नाउन फ्रेज रे आमे ताजमहल को आमे नाउन भाव रे नेले द ब्यूटीफुल हिस्टोरी हेब प्री मॉडिफायर एवं ता परे आसुचि हमरो ई नागरा एहा हेब हमरो पोस्ट मॉडिफायर. सेही परि द रेड फ्लावर्स इन द पॉट ए एग्जांपल गुडी को आमे पूर्व क्लास रे देखिथिले तो फ्लावर्स एठारे नाउन हला तो द रेड एठारे हमर प्री मॉडिफायर हेले हमर पोस्ट मॉडिफायर हेब अमर नाउन परे आसुतबा इन द पॉट. सेई परी थर्ड एग्जांपल रे द ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल आइलैंड विथ क्रिस्टल क्लियर वाटर ए पर्यंत होची हमरो नाउन फ्रेज जहाँ कि तुम्हें पूर्व क्लास रे ऑलरेडी जानी सारी छो. तो एई आइलैंड आइलैंड होची हमरे ठरे नाउन तो प्री मॉडिफायर हला नाउन पूर्व रे आसुतबा शब्द गुडी को एवं विथ क्रिस्टल क्लियर वाटर जो अच्छी यह है वो हमरो पोस्ट मॉडिफायर. सही परी द हैप्पी स्माइलिंग चाइल्ड द हैप्पी स्माइलिंग चाइल्ड ऑन हिज मदर्स लैप ए पर्यंत होची हमरो नाउन फ्रेज. तो चाइल्ड चाइल्ड होची एठारे हमरो नाउन तो नाउन पूर्व रो आसुची हमरो प्री मॉडिफायर्स एवं नाउन पर आसुची हमरो पोस्ट मॉडिफायर. तो ऑन हिज मदर्स लैप होची एठारे पोस्ट मॉडिफायर. पिला माने आमे माने प्री मॉडिफायर हिसाब रे व्यवहार करथले का का को आर्टिकल आर्टिकल पोजेसिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव द न्यूमेरल्स क्वांटिफायर्स डिस्ट्रीब्यूटिव डब्ल्यू एच वर्ड एडजेक्टिव्स नाउन एवं पार्टिसिपल एगुडी को आमे पूर्व क्लास रे डिस्कशन करी सारी अछु. तापरे आमर आसिला पोस्ट मॉडिफायर. पोस्ट मॉडिफायर आमे काहा को कहिबा एबे पूर्व पूर्वरु मु तुमन को कहिथिली पोस्ट मॉडिफायर जेउ नाउन फ्रेज रे जेउ हेड वर्ड थाए नाउन ता परे आसिले पोस्ट मॉडिफायर होची पूर्वरु आसुथिले पोस्ट मॉडिफायर. ताहेले आमे पोस्ट मॉडिफायर केते गुडी एग्जांपल देखि कि जानिबा द बुक ऑन द टेबल इज माइन. एठारे तुम माने देखो बुक बुक हूँ आमर एठारे नाउन बुक जदि नाउन हला ताहले ऑन द टेबल परे आसुची नाउन बुक रो परे आसुची ऑन द टेबल एवं द टा हूँ एठारे प्री मॉडिफायर. तो बुक परे आसुतबा जो पोस्ट मॉडिफायर ऑन द टेबल या हूँ पोस्ट मॉडिफायर. सही परी द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड ए पर्यंत होची हमरो नाउन फ्रेज
एही नाउन फ्रेज रे स्टूडेंट नाउन अमर स्टूडेंट हला नाउन तो हु हु जो अछि हु स्टडी हार्ड एठार हेबो अमर पोस्ट मॉडिफायर सेई परी जयपुर इज द सिटी फेमस फॉर इट्स ब्यूटी जयपुर इज एटा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो अमर नाउन फ्रेज हेबो द सिटी फेमस फॉर इट्स ब्यूटी एठार द जो अछि अमर हेबो नाउन नाउन हेले फेमस वर्ड जो अछि नाउन नाउन परे अछि अमर फेमस फॉर द सिटी या हेबो अमर पोस्ट मॉडिफायर सेई परी पिला माने द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन साइंस अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन साइंस एठारे नाउन फ्रेज होछि अमर द स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन साइंस रे स्टूडेंट हेबो अमर नाउन प्री मॉडिफायर आमर अभी पढ़िबार नै इंटरेस्टेड इन साइंस नाउन परे आसुथबारु ए जे इंटरेस्टेड एठारे हमर पोस्ट मॉडिफायर्स एवं टाइप्स ऑफ पोस्ट मॉडिफायर तो आमे प्री मॉडिफायर भाबरे नउथला आर्टिकल पोजेसिव डेमोंस्ट्रेटिव तो आमे पोस्ट मॉडिफायर भाबरे केउ मानकु नै पारिबा तो फर्स्ट हला प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव एडवर्ब नॉन फिनाइट क्लॉज एवं फिनाइट क्लॉज एगुड़ी को आमे पोस्ट मॉडिफायर भावरे व्यवहार करी परिबा नाउन फ्रेज रे ए माने नाउन रो परे आसीबे एवं पोस्ट मॉडिफायर भावरे से माने काम करीबे एबे आमे देखिबा फर्स्ट रे बा प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज ए प्रीपोजिशनल फ्रेज रे डेफिनेशन हला इट स्टार्ट विद ए प्रीपोजिशन राइट आफ्टर द हेड वर्ड नाउन एंड मॉडिफाइज द नाउन इट स्टार्ट ए प्रीपोजिशनल फ्रेज टी की भली स्टार्ट हुए माने नाउन रो ठीक नाउन रो परे परे ताहा स्टार्ट होई थाए आउ प्रीपोजिशन माध्यम रे ही स्टार्ट होई थाए तो एवं नाउन को ताहा मॉडिफाई करी था नाउन को मॉडिफाई करते हैं लेकिन नाउन मॉडिफायर्स को जो तो नाउन को नाउन रो परे था कि मॉडिफायर करते बारे में ताकु पोस्ट मॉडिफायर को जो सी इज ए गर्ल फ्रॉम आवर विलेज ऐठारे देखो तुम फर्स्ट तो देखिबो नाउन फ्रेज हमें ऐठारे नाउन फ्रेज कोन है बा सी इज तो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस कहें कि ना इज होची फिनाइट वर्ब अमर फिनाइट वर्ब माने नाउन फ्रेज रे कोन से फिनाइट वर्ब रहइबो नै बोली मु पूर्वतन क्लास में मध्ये कहितली तो ए गर्ल फ्रॉम आवर विलेज ए गर्ल फ्रॉम आवर विलेज होची हमर नाउन फ्रेज एवं एठारे ए होची हमर प्री मॉडिफायर ए को हम आपको पोस्ट मॉडिफायर देखिबा अछि फ्रॉम आवर विलेज जो ए फ्रॉम आवर विलेज अछि या किबोली स्टार्ट हिची तो माने देखि पर तो बटे फ्रॉम अछि फ्रॉम गोटे कोन ए होची गोटे प्रीपोजिशन तो एई जो फ्रेज ता हला फ्रॉम आवर विलेज या को हमें कहिबा प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशनल फ्रेज एथि पई कह जाउछि या प्रीपोजिशन रु आरंभ होइछि प्रीपोजिशन रु आरंभ होइति बारे या को हमें प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहि परिबा सेइ परि द हाउस अक्रॉस द रोड इज हॉन्टेड तो इज हॉन्टेड या अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो हम नाउन फ्रेज हला द हाउस अक्रॉस द रोड या होछि हमरो नाउन फ्रेज तो पिला माने एठार केउठार आरंभ होई छी हाउस होछि हमरो नाउन तो हमर आरंभ होई छी अक्रॉस होछि प्रीपोजिशन अक्रॉस द रोड रोड रो आरो पार्श्वरे थिबा घरटी होछि भूतग्रस्त तो हाउस नाउन रो पर रे स्टार्ट होई छी प्रीपोजिशन माध्यम रे जे प्रीपोजिशनल फ्रेज लागी छी से ताहार एथिरो हम जानि परबा जे एहा प्रीपोजिशनल फ्रेज मध्य पोस्ट मॉडिफायर रो काम करी थाए सेई परि द बुक ऑन द टेबल इज माइन एठारे तुमने निश्चित जानी पारुथबो दुईटा एग्जांपल देखला पर जानी पारुथबो हम नाउन होची कोन बुक प्री मॉडिफायर मु जानिबा फैन कले कहि दउची किंतु आगर तुम माने निश्चित रूप रे जानी सकथिबो बुक परे आसुची कोन ऑन द टेबल इज माइन तो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस ऑन द टेबल बुक ऑन द बुक ऑन द टेबल टोटल ता होची हम नाउन फ्रेज तो बुक होची हमर नाउन ऑन द टेबल रो प्रीपोजिशन होची ऑन रु स्टार्ट हिची
तो ऑन द टेबल एठारे आमर हेबो प्रीपोजिशनल फ्रेज से परि नेक्स्ट एग्जांपल होची एथेंस इज द सिटी विथ रिच हिस्टोरी एंड कल्चरल हेरिटेज एथेंस होची गोटे सिटी जहा कि माने जार इतिहास एवं कल्चरल आम सांस्कृतिक ऐतिह्यटा सांस्कृतिक ऐतिह्य भरपूर होची एथेंस सिटी एथेंस गोटे सिटी तो एथेंस इज एठारे अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस हो जीवो एथेंस किंतु अमर नाउन फ्रेज हला द सिटी विद रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज तो एठारे नाउन होची अमर सिटी विद रिच हिस्ट्री एंड कल्चरल हेरिटेज होची अमर प्रीपोजिशनल फ्रेज विद रु आरंभ होइतबारु याको आमे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहउछु तो एठारे प्रीपोजिशनल फ्रेज मध्य मॉडिफायर्स पोस्ट मॉडिफायर भाबरे काम करते पोस्ट मॉडिफायर करले नाउन रो परे आसीकी तहा नाउन को मॉडिफाई करिथाय सेपरी एडजेक्टिव एडजेक्टिव कम्स राइट आफ्टर द नाउन एंड डिस्क्राइब द नाउन एडजेक्टिव मध्य पोस्ट मॉडिफायर भाबरे की बळी काम करिथाय आमे एग्जांपल रे देखिबा पोस्ट मॉडिफायर नाउन परे आसीकी नाउन को मॉडिफाई करथु रोम इज द सिटी फेमस फॉर इट्स हिस्ट्री रोम होचि गुटे सिटी जाता हिस्ट्री द्वारा फेमस होते तो अमर द सिटी फेमस फॉर इट्स हिस्ट्री होचि नाउन फ्रेज तो सिटी पर जे वर्ड आसुचि से वर्ड टी कोनो फेमस फेमस वर्ड अमर होचि एडजेक्टिव फेमस वर्ड एडजेक्टिव हितबारु एहा मॉडिफायर सिटी टी किभली अटे फेमस होते सिटी विषय रे अधिक किछि कहउछि एही पोस्ट मॉडिफायर जे एडजेक्टिव व्यवहार हे छेटारे फेमस वर्ड टी सेइ परि द स्टूडेंट्स टैलेंटेड इन म्यूजिक चूज इट एज प्रोफेशन तो हमरो नाउन फ्रेज हेबो द स्टूडेंट्स टैलेंटेड इन म्यूजिक नाउन फ्रेज हेले हमर स्टूडेंट हेबो नाउन एवं टैलेंटेड इन म्यूजिक म्यूजिक रे जो टैलेंटेड थिबा स्टूडेंट माने म्यूजिक को तांकर प्रोफेशन भाबरे बाछंती तो टैलेंटेड टैलेंटेड है टैलेंट होची हमर नाउन टैलेंट रु टैलेंटेड एठारे एडजेक्टिव टैलेंटेड होची हमर एडजेक्टिव तो नाउन परे एडजेक्टिव एठारे मॉडिफाई हेकरी स्टूडेंट माने किभली स्टूडेंट म्यूजिक रे टैलेंटेड थिबा स्टूडेंट तो टैलेंटेड एठारे हमर एडजेक्टिव मॉडिफायर भाबरे काम करूची सेई परी I can see something bright in the sky. I can see something. Mu dekhi pare kichi something kichi bright. Etare bright madhya adjective bright in the sky. Something bright in the sky hochi noun phrase ebong something noun hele etare jo bright achi eha hochi adjective to etare adjective madhya ki boli bhabre नाउन को विशेष किसी भाव रे डिस्क्राइब करी माने मॉडिफायर्स रो काम करछि हम माने एठारे देखि परले तापरे हमरो आसुचि एडवर्ब एडवर्ब की भली भाव रे पोस्ट मॉडिफायर रो काम करी थाए नाउन फ्रेज रे पोस्ट मॉडिफायर रो काम करी थाए एडवर्ब एडवर्ब कहले क्रिया विशेषण एडवर्ब पोस्ट मॉडिफाई नाउन्स इन नाउन फ्रेज जे नाउन फ्रेज थाए सेथिरे एडवर्ब मध्य नाउन को मॉडिफाई करथबा नाउन विषय रे किछि तथ्य देथाय नाउन विषय रे अधिक किछि हमकु जणैथाय पीपल आउटसाइड स्टार्टेड शाउटिंग एठार तुम माने देखो पीपल होछ एटा नाउन आउटसाइड एडवर्ब स्टार्टेड शाउटिंग आरंभ कले चित्कार करबाकु आउटसाइड एठारे हमर होछि एडवर्ब ऑफ प्लेस सेहि परि The weather today is fine. The weather today. एठारे होची noun phrase. The weather today. Other part of the sentence. Weather एठारे noun हेले today. Today होची आमरो कौन? आमर today होची एडवर्ब. एडवर्ब एठारे weather. Weather पागटी केवल पागटी आजी पागटी बहुत सुंदर अटे फाइन अटे. तो ये today एडवर्ब टी मध्य नाउन फ्रेज रे नाउन को मॉडिफाई करूछि सही परी द होटल नियर बाय हैज ए पूल
The hotel nearby ethare amara noun phrase hele other part of the sentence as a pool ethare hotel noun hele jo nearby adverb achi ei hotel noun ku taha modify karuthwaru adverb madhya modify bhabre kaam kare boli ame jani paruchu sei pari non finite clause madhya noun phrase re rahi मॉडिफायर भावे काम करते नॉन फिनिट क्लज कहले आमर पहला टू इनफिनिटिव कहले कौन टू पर आमर जो भार्ब लागी जाए भार्ब रो बेसिक फॉर्म लागे टू गो टू सी टू हेल्प सब ए गुडी को आमको आमे टू इनफिनिटिव कहि परिबा तो तापर प्रेजेंट पार्टिसिपल आमर कहतली मैं तुमको भार्ब रे आईएनजी लागी थिबो एवं इज एम आ पर यहा यूज हेथाय तो ई प्रेजेंट पार्टिसिपल मध्य मॉडिफायर रो काम करी थाए सही परी पास्ट पार्टिसिपल कहले तो माने जानी छ बुझाइबा को पड़ी बनी या होची हमर भार्ब 3 तो गो एंड गॉन रे हमर गॉन होची भार्ब 3 ताको हमें पास्ट पार्टिसिपल कहतौ तो भार्ब रो थर्ड फॉर्म को हमें जो पास्ट पार्टिसिपल कहता ताहा मध्य नॉन फिनाइट क्लॉज रे माने हमर कोन हिते माने मॉडिफायर भाव रे काम करी थे एग्जांपल देखिबाबे द बस टू अराइव नेक्स्ट इज सुश्री नेक्स्ट बस जो आसीबा को अछि सा होछि सुश्री बस अराइव नेक्स्ट ए पर्यंत होछि हमर नाउन फ्रेज तो ए नाउन फ्रेज रे टू इनफिनिटिव लागछि देखो तुम माने देखो एटा रे द बस टू अराइव नेक्स्ट होछि नाउन फ्रेज एनपी ए होछि हमर नाउन फ्रेज द टू अराइव जो पहुंचिबा को अछि टू अराइव जो नेक्स्ट पहुंचिबा को अछि से बस टी होछि हमर सुश्री तो ए बस जो नाउन अछि एटा बस हला नाउन प्री मॉडिफायर द आर्टिकल तो ए बस जो नाउन अछि यहा परे कोन लागछि टू इनफिनिटिव लागछि नाउन फ्रेज रे आ यहा मॉडिफायर भाव रे काम करूछि माने बस जो बस अछि बस कोन करबा को पहुंचिबा को जाउछि टू अराइव केते बेले नेक्स्ट परे जो पहुंचिबा को जाउछि ता बस विषय रे तथ्य दउछि तो यहा टू इनफिनिटिव भावरे व्यवहार ही पोस्ट मॉडिफायर रा काम करूछि नेक्स्ट अछि से समान एग्जांपल द फ्लाइट टू डिपार्ट फर्स्ट इज टू मुंबई द फ्लाइट टू डिपार्ट फर्स्ट हमर नाउन फ्रेज हला द फ्लाइट टू डिपार्ट फर्स्ट या हमर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो द फ्लाइट एठारे फ्लाइट हमर नाउन टू डिपार्ट एठारे हमर टू इनफिनिटी जे फ्लाइट टी फर्स्ट जीवा को अच्छी ताहा मुंबई को सेटा अच्छे मुंबई को जीवा को अच्छी तो इटरे टू डिपार्ट टू इनफिनिटिव लगी ची एवं फ्लाइट को माने फ्लाइट विषय रे फ्लाइट को मॉडिफाई करो ची पोस्ट मॉडिफायर भाव रे यहाँ माने नॉन फिनाइट इटरे पोस्ट मॉडिफायर रो काम करो ची टू इनफिनिटिव सही परी द स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एग्जाम इज टायर्ड स्टूडेंट्स माने जो माने एग्जाम पाई पढ़ुछंती से माने टायर्ड अटंती स्टडिंग फॉर एग्जाम इज टायर्ड एटा अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस हम नाउन फ्रेज हला केते तो स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एग्जाम हे होछ हम नाउन फ्रेज तो एठारे पिला माने तो माने देखियो को मु तुमको कहि दिली नाउन परे प्रेजेंट पार्टिसिपल आसीबो प्रेजेंट पार्टिसिपल बेले हमें फॉर्म कोन वर्ब रे आईएनजी डायरेक्ट लागिथिबो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहछु हम से गुड को तो आम जो मेन भार्ब नाउन फ्रेज रे मेन भार्ब जो मेन वर्ड जो थिबो मेन नाउन ता परे परे जस्ट ए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म टी पले आसीबो भार्ब रो तो एठारे देखो द स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नाउन हला तपरे आमे सब बेले जते बेले सेंटेंस करू माने फिनाइट सेंटेंस गुडी को करू माने फिनाइट भार्ब रखी की द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एमिति कहतौ किंतु एठारे तुम माने देखो स्टूडेंट परे डायरेक्ट स्टडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल आसीछि इरा केवल नाउन फ्रेज रे संभव हो द स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एग्जाम तो आमे माने जेते बेले फिनाइट क्लॉज रे सेंटेंस करतु तुम माने देखितबो द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग एमिति होए किंतु एठारे केमिति हे जे द स्टूडेंट्स जो अछि नाउन पर डायरेक्ट हमर प्रेजेंट पार्टिसिपल व्यवहार होई छि काहेकि ए पर्यंत हे छि शब्द समूह ताहा पूर्ण अर्थ को प्रकाश कर नै माने नाउन फ्रेज कोन करथे किछि विशेष अर्थ को प्रकाश करथे एवं एठारे कोनोसी भाग न थाए तो सही नाउन फ्रेज द स्टूडेंट स्टडिंग फॉर एग्जाम एग्जाम पई पढुतबा स्टूडेंट माने माने एठारे स्टडिंग जो अछि
यहाँ स्टूडेंट नाउन र मॉडिफाइड अछि प्रेजेंट पार्टिसिपल भाबरे रही तो यहाँ को मध्ये आमे कोन कहिबा ई प्रेजेंट पार्टिसिपल पोस्ट मॉडिफायर भाबरे व्यवहृत होइ छि बोले आमे कहि परबा। नेक्स्ट द टीचर से समान एग्जांपल एठारी आ गुटे अछि द टीचर टीचिंग इंग्लिश ए पर्यंत होछि हमर नाउन फ्रेज द टीचर टीचिंग इंग्लिश इज मिस्टर जॉन मिस्टर जॉन अटंती तो एठारे देखो टीचर होछि हमर नाउन टीचिंग टीचर परे हमर डायरेक्ट कोन आसेछि नाउन परे हमर डायरेक्ट आसेछि टीचिंग इंग्लिश पढ़ुवा शिक्षक जनक मिस्टर जॉन अटंती बोलिकरी एठारे कहा जाउछि तो ए जो नाउन को मॉडिफाई करछि टीचिंग शब्द टी यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल से परी समान एग्जांपल द मैन सिटिंग इन द कॉर्नर ए पर्यंत होछि हमर नाउन फ्रेज इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस ए नाउन फ्रेज रे मैन टी होछि नाउन सिटिंग इन द कॉर्नर कोनरे बसीथिबा लोकटी भयरे धरुछि तो ए मैन क्यों लोकटी सिटिंग इन द कॉर्नर कोनरे बसीथिबा लोकटी तो मैन परे डायरेक्ट एटारे प्रेजेंट पार्टिसिपल सिटिंग यूज हेछि आ एवं मॉडिफायर काम करी करी मैन जो नाउन अछि सेई नाउन को मॉडिफाई करूछि। तो एठारे आमे माने जानिला जे टू इनफिनिटिव एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल कि भली भाबरे नाउन को मॉडिफाई करूछि मॉडिफायर भाबरे रही तापरे हमर कोन सेटा थिला पास्ट पार्टिसिपल कि भली मॉडिफायर भाबरे काम करे पोस्ट मॉडिफायर भाबरे तो एठारे देखो द सिटी फाउंडेड बाय किंग कृष्णदेवराय द सिटी फाउंडेड बाय किंग कृष्णदेवराय इज विजयनगर अटे एठारे ए नाउन फ्रेज होची एटा द सिटी फाउंडेड बाय कृष्णदेवराय होची नाउन फ्रेज ए नाउन फ्रेज रे पिला माने हमर जो होची सिटी होची हमर नाउन एवं फाउंडेड एठारे त माने देखि परतो फाउंडेड फाउंड बले माने स्थापना करबा त जो स्थापित करा हितला का द्वारा एटा पैसिव टेंस रे अछि तो या भार्थ्री रो काम करछि पास्ट पार्टिसिपल रो काम करछि जो स्थापित होता कृष्णदेवराय द्वारा जो राज्य टी स्थापित होता जो सिटी जो नगर टी स्थापित होता विजयनगर तो एठारे फाउंडेड भारथ्री सिटी नाउन को मॉडिफाई करुछि एवं पास्ट पार्टिसिपल एठारे पोस्ट मॉडिफायर भाबरे व्यवहृत होइछि सेहिपरि द बुक कैप्ट ऑन द टेबल इज माइन टेबल रे रखा हितबा बही टी मोर अटे इज माइन टी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस द नाउन फ्रेज होछि कोन हमर द बुक कैप्ट ऑन द टेबल रे रखा हितबा बही टी तो एठारे बुक होछि नाउन कैप्ट एठारे वर्ब 3 कीप कैप्ट द आमर नाउन परे डायरेक्ट भाबरे पास्ट पार्टिसिपल व्यवहार है पोस्ट मॉडिफायर रो काम करूछ तो एबे गला आमर नॉन फिनाइट क्लॉज सला एबे आसीबा आमर फिनाइट क्लॉज रे कोन थाय फिनाइट गुटे वर्ब फिनाइट वर्ब व्यवहृत होइथाय फिनाइट वर्ब आमे कहाकु कहथौ जो वर्ब को आमे टेंस रो रूप देइ परिथौ तो सेही फिनाइट वर्ब होइतले आमे ताकु फिनाइट क्लॉज कहिथौ तो एठारे तो माने देखिबो रिलेटिव क्लॉज द स्टूडेंट्स हु ओन द प्राइज इज कॉन्फिडेंट द स्टूडेंट हु ओन द प्राइज एठारे आम नाउन फ्रेज होची द स्टूडेंट हु ओन द प्राइज आमर स्टूडेंट होची नाउन पोस्ट मॉडिफायर होची हु ओन द प्राइज जे प्राइज जीणिला सेही पिलाटी जे छात्रटी होची आत्मविश्वासी कॉन्फिडेंट अटे तो एठारे हु ओन द जो प्राइज अछि नाउन फ्रेज सॉरी रिलेटिव क्लॉज अछि एठारे देखो तुम माने हु जो लागी छि आउ छि हमर रिलेटिव प्रोनाउन लागी कि हमर एठारे या रिलेटिव क्लॉज हे छि आउ ओन जो अछि या फिनाइट वर्ब अटे माने आमे ओन को वर्ब रूप दे परबा त सेति पय को आमे फिनाइट क्लॉज मध्ये कहि
पारुछु तो जे प्राइस को जिणिला से छात्रटी आत्मविश्वासी अठे तो यही हु लागि कि हु क्यों स्टूडेंट जे प्राइस को जिणिला से स्टूडेंट तो ए स्टूडेंट को के व्याख्या करूछि ए रिलेटिव क्लज बा ए फिनाइट क्लज टिया को स्टूडेंट विषय रे किछि अधिका कहूछि बा मॉडिफाई कहूछि ओ उपरे रही कि मॉडिफाई करथवारो याको हमें पोस्ट मॉडिफायर कहूछु सही परे द टीचर हु हेल्प्ड मी इच काइंड से शिक्षक टी जे मते सहाय्य कले से दयालु अटंती इच काइंड टी अमर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस द टीचर हु हेल्प्ड मी जे मते सहाय्य कले एटा टीचर नाउन हेले हु हेल्प्ड मी जे ओछि हा होछि हमरो रिलेटिव क्लॉज जहा कि पोस्ट मॉडिफायर भाबरे काम करूछ सही परी द सिटी हुएर आई लिव इज ब्यूटीफुल से सिटी टी जेउठारे मु रहे द सिटी हुएर आई लिव इज ब्यूटीफुल अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस हुएर आई लिव हुएर मध्ये अठारे रिलेटिव प्रोनो मु जेउठारे रहे ताहा बहुत सुंदर अटे सिटी होछि हमरा नाउन हुएर आई लिव जेउठारे मु रहे तो यहा मध्ये रिलेटिव क्लॉज हेबो पोस्ट मॉडिफायर भावे काम करछि वी हेल्प्ड द गर्ल हु इज न्यू इन आवर क्लास आमे से जे को सहाय्य करलु जे कि हमर क्लास रे नुआ होते वी हेल्प्ड द गर्ल हु इज न्यू इन आवर क्लास होछि हमर एठारे नाउन फ्रेज तो एठारे पिला माने द गर्ल परे जे वर्ड आसुछि हु इज न्यू इन आवर क्लास होछि हमर पोस्ट मॉडिफायर एवं यहा रिलेटिव क्लॉज एक्टिविटी अच्छे अभी मैंने तो आपको मुझे भी पढ़ी थी टिके देखी कि कोई वो फास्ट हूँ तुम्हें मैंने नाउन फ्रेज को चिन्ह वाको चेष्टा करी वो नाउन फ्रेज चिन्ह ले तापरे हेडवर्ड नाउन को तुम्हें बने बच्ची वो तापरे पिला मैंने तुम्हें मैंने सक्षम हो वो मैंने क्वेश्चन आंसर दबा को आइडेंटिफाई द पोस्ट मॉडिफायर एंड इट्स टाइप तुम्हें मैंने यार मैंने पोस्ट मॉडिफायर क्यों प्रकार अटे ता आइडेंटिफाई करबो किंतु ता पूर्व तुम्हें नाउन फ्रेज को कहबो He chose the table and the corner. It had a fashion noun phrase. I am bachelor. Try to answer all of you. Identify the post modifier and its types. He chose the table in the corner. A jo sentence achi. A sentence I am pratham I am a noun phrase ko bachelor. I think you will be able. He chose the table in the corner. Try to answer. I am a noun phrase ti. First I am a noun phrase ko bachelor. तापरे आमे पोस्ट मॉडिफायर को बाचिबा पोस्ट मॉडिफायर केउ प्रकार बाचिबा भूल हेले किछि हम ट्राय टू आंसर इजी इजी क्वेश्चन गुडा कछि देखो चेष्टा करो बारगढ़ हाई स्कूल ही चोज द टेबल इन द कॉर्नर रे ठारे हम नाउन फ्रेज कोन नाउन फ्रेज केते पर्यंत अछि मु तोहन को कहिथिली हमर भार बासिबो नै फिनाइट भार बासिबो नै तो ही चोज का आसीबो नै तो हमर नाउन फ्रेज के हला द टेबल इन द कॉर्नर हला तो एबे तुम्हें माने बाछो पोस्ट मॉडिफायर कोन और केउ प्रकार पोस्ट मॉडिफायर एठारे यूज हे देखो चेष्टा करो इजी अटे ऑप्शन मध्ये एठा दे जे हां तो पोस्ट मॉडिफायर होची कोन नाउन होची हमरा टेबल एवं इन द कॉर्नर होची हमरा पोस्ट मॉडिफायर या होची प्रीपोजिशनल वेरी गुड तो टिके नाउन के कहबो हला कि नाउन के टिके कहबो जे जानमा जानी पारछो कि जथमा द कार रिपेयर्ड इन द बाय द गैरेज ब्रोक डाउन अगेन द कार रिपेयर्ड बाय द गैरेज ब्रोक डाउन अगेन पिला माने अठारे देखो तुमे फर्स्ट तुमे मते नाउन फ्रेज कहो नाउन फ्रेज बाची पारछो कि मु देखिबे चेष्टा करो द कार रिपेयर्ड बाय द गैरेज रिपेयर्ड को देखी के तो जानी पारु थबो के ऑप्शन टी आसबो के ऑप्शन पास्ट पार्टिसिपल
Very good. Past participle. Yes. Well done. Next, the girl dancing on the stage is happy. एठारे आमर finite clause, non-finite clause, adjective, adverb. तो हमको फर्स्ट नाउन फ्रेज बाचवा को पड़ी तापर जाके हमको ऑप्शन वाला आंसर करिबा चेष्टा करो द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज वेरी गुड वेरी गुड ईच हैप्पी होची अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस द गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज एठारे आमर हेड नाउन हेड नाउन कहो द गर्ल द होची एठारे आर्टिकल प्री मॉडिफायर तो डांसिंग ऑन द स्टेज होची आमर पोस्ट मॉडिफायर ता केव प्रकार पोस्ट मॉडिफायर फिनाइट क्लोज अटे बा नॉन फिनाइट क्लोज अटे एडजेक्टिव बा एडवर्ब ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर एटा नॉन फिनाइट क्लोज हेबो मु तुमको मैं कहि दिली वर्ब रे आईएनजी लागिबो एवं जस्ट नाउन रो परिता रहिबो वेरी गुड नेक्स्ट एग्जांपल होची द एग्जांपल्स बिलो इज क्लियर चार नंबर क्वेश्चन होची द एग्जांपल्स बिलो इज क्लियर ए सेंटेंस रे अमर जो नाउन फ्रेज टी कोण एवं ता केव प्रकार एडजेक्टिव ना एडवर्ब ना प्रीपोजिशनल फ्रेज ना नॉन फिनाइट क्लॉज ऑप्शन बी बिलो इज क्लियर ऑप्शन बी एडवर्ब वेरी गुड बिलो एडवर्ब लागी छी एग्जांपल्स होची अमर नाउन द एग्जांपल्स बिलो एठारे जो अछि एडवर्ब होची अमर बिलो लागी थिबारो एठाकु आमे एडवर्ब रे नेबा मॉडिफायर्स एडवर्ब भाब रे मॉडिफायर्स अछि वेरी गुड नेक्स्ट आसुची अमर द टीचर होम आई रेस्पेक्ट इज रिटायरिंग द टीचर होम आई रेस्पेक्ट इज रिटायरिंग नाउन फ्रेज कोन कहो एठारे केटा नाउन फ्रेज हबा द टीचर होम आई रेस्पेक्ट इज रिटायरिंग ऑप्शन सी मैं पहला नाउन फ्रेज टा कहो फर्स्ट नाउन फ्रेज कहो नाउन फ्रेज तुम्हें चिन्ह पार छ नहीं मैं देखबे नाउन फ्रेज को चिन्ह टीचर होम आई रेस्पेक्ट ओके वेरी गुड द टीचर होम आई रेस्पेक्ट हां इज रिटायरिंग अवर अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस तो होम आई रेस्पेक्ट द टीचर होम आई रेस्पेक्ट रे पोस्ट मॉडिफायर बाछो अबे द टीचर होम आई रेस्पेक्ट एठारे हमें पोस्ट मॉडिफायर के अनुसारटिक पोस्ट मॉडिफायर कोइबा सेंटेंस रे हमारे जब नाउन फ्रेज आसिला एनपी रे हमर पोस्ट मॉडिफायर के होम आई रेस्पेक्ट जहां को मु एडजेक्टिव सम्मान करे या ऑप्शन सी एडजेक्टिव ऑप्शन सी एठारे हमर ऑप्शन ए हेबो होम देखा पिला माने मु तुमको कहिथिली ऑप्शन ए हेबो होम जो अछि हमर रिलेटिव क्लॉज हो होम ता कोन होम ता अछि हमर रिलेटिव प्रोनाउन तो एही रिलेटिव क्लॉज ते हमर कोठे थे ई फिनाइट क्लॉज रे थाए तो ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर ऑप्शन ए हेबो राइट आंसर एबे तुम मान को पई होमवर्क बही रो होमवर्क अछि एठारे दिया जाय छि तुम मान को ऑप्शन दिया जाय छि इन नियर बाय सिटिंग इन द गैलरी ए सब उड़ी को ठारे फिट करके तुम्हें ये होमवर्क टी कंप्लीट करबो थैंक यू